संजू सैमसन ने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में लगा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में संजू ने 114 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 108 रन बनाए। संजू के इस शतक की बदौलत टीम इंडिया 296 रनों का टोटल बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही थी। अब भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज के शतक को लेकर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि ये उनका करियर बदलने वाला है। सुनील गावस्कर ने एक चैनल से बात करते हुए कहा, इस पारी में मुझे उनका शॉट सिलेक्शन अलग लगा। पहले वो शुरुआत मिलने के बाद भी आउट हो जा रहे थे, आज आप उन्हें गलत नहीं कह सकते। वो गेंद के लिए इंतजार कर रहे थे और फिर शतक लगाया। उन्हें इस शतक से और मौके मिलेंगे, उन्होंने आगे कहा। इसके अलावा मुझे लगता है कि वो खुद पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर देंगे कि वो इस स्तर से जुड़ चुके हैं। कभी कभी आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं लेकिन किस्मत आपके साथ नहीं है। आपको एक शानदार गेंद मिली, शानदार कैच, ये सारी चीज़ें आपको सोच में डाल सकती हैं कि क्या वाकई आप वहां से संबंध रखते हैं। दिग्गज गावस्कर ने आगे कहा, ये शतक उन्हें यकीन करा देगा कि वो यहां से संबंध रखते हैं। वो हमेशा यहां से ताल्लुक रखते थे, याद रखें उनके पास जो टैलेंट है वो हम सब जानते हैं, लेकिन किसी वजह से वो उसे दिखा नहीं पाए। लेकिन आज उन्होंने इसे न सिर्फ सबके लिए बल्कि अपने लिए भी दिखाया। संजू अब तक अपने करियर में 16 वनडे और 24 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं। वनडे की 14 पारियों में उन्होंने 510 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल की 21 पारियों में उनके बल्ले से 374 रन निकल चुके हैं जिसमें एक अर्धशतक शुमार हैं। संजू की इस परफॉर्मेंस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।